न्यूज, खबरों की नई पहचान। आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन व्रतियों ने उत्साह से अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया। बुधवार को झरिया राजा तालाब सहित कोयलांचल के विभिन्न तालाबों में खड़े होकर व्रतियों ने अर्घ देने की प्रक्रिया को पूरा किया और छठ मैया से मनोतियां मांगी। पूजा की थाली में प्रसाद व फल लेकर व्रतियां छठ मैया के गीत गाती हुई तालाब पर पहुंची। दोपहर से ही तालाबों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। खरना के बाद व्रतियों द्वारा पहला अर्घ दिया गया। आज गुरुवार को व्रतियां उदयगामी सूर्य को दूसरा व अंतिम अर्घ देकर व्रत खोलेंगे और इसके साथ छठ पर्व का समापन हो जाएगा। छठ पर्व पर बहुत अच्छी रौनक देखी जा रही है। चारों तरफ प्रसाद वितरण हो रहे हैं और जो छठ व्रती है वो बहुत अच्छे से आ रही है और अपना पूजा संपन्न। छठ मैया से क्या मांगती है इस बार? छठ मैया से मांगती हूँ कि मैं जीत हासिल करूँ और आप सभी को मतलब छठ सभी लोग की सेवा कर सकूँ। क्या कुछ कहेंगे छठ को लेकर? आज छठ पूजा के उपलक्ष्य में मेरिया भारतीय समिति का सभी सदस्य आज राजा तालाब पर दे रहे हैं छठ पूजियों को सेवा करने के लिए। शांति समिति के सदस्य लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस प्रशासन का साथ दे रहे हैं। नगर निगम के साथ साथ पार्षद पूरा परिवार वार्ड नंबर 44 मैं पार्षद प्रतिनिधि इस राजा तालाब को सफाई में हम लोग लगे हुए थे और छठ व्रती को किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो उसके लिए वर्ल्ड सार्वजनिक छठ सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता इसमें तत्परता से लगे हुए थे। और क्या कुछ कहेंगे, कल की क्या क्या तैयारियां है? कल की तैयारियां सुबह में हम लोग यहां पर चाय वितरण करेंगे, स्नान करने की व्यवस्था हम लोग ने कर चुका है। गोताखोर आपने देखा होगा कि गोताखोर तालाब के किनारे घूम रहा है और जो भी कठिनाइयाँ होगी वो हम लोग अपने ओर से करेंगे। वार्ड नंबर 44 के पार्षद गुलासो देवी, वर्ल्ड सार्वजनिक छठ सेवा समिति के अध्यक्ष विक्रमा सिंह यादव, मैं पार्षद प्रतिनिधि पप्पू सिंह, ये सभी कार्यकर्ता कल सुबह अपना सारा तैयारी हम लोग कर चुके हैं। सुबह में चाय का व्यवस्था की जाएगी, स्नान करने के लिए जगह जगह पर टोली बनाई गई है। राजा तालाब पे और आज लाखों की तादाद में जो है लोग सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करने आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, गोताखोर भी मौजूद हैं। पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा गोताखोर की मौजूदगी की गई है कि अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो उसमें जो है गोताखोर की काम आएगी। हमारे साथ दिखा सकते हैं कि किस तरीके से लोग सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित किए हैं। आप देखें छठ व्रती तालाब में डुबकी लगाकर छठ भगवान को जो है लोग अर्घ अर्पित कर रहे हैं तो पूरी तादाते हैं। सरकार ने जिस तरीके से आदेश दी है कि इस बार जो है कोरोना काल को देखते हुए छठ की आज़ादी थोड़ी धूमधाम से है, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि रस्सी भी जो है बांधा गया है ताकि इस रस्सी के दायरे में रहकर लोग डुबकी लगाएं क्योंकि आगे काफ़ी गहराई है। हर पार्षद प्रतिनिधि और से काफ़ी व्यवस्थाएँ की गई है। अपने कैमरा पर्सन से ये कहूँगा कि कैमरा के माध्यम से दिखाएं कि लोग किस तरीके से लोग जो है पानी में डूबते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। आस्था का लोक आस्था का महापर्व छठ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे जानेंगे आस्था का महापर्व लोक छठ जो है वह किस तरीके से मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, क्या आस्था जुड़ा हुआ है उनसे। हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि है, हम उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे आज जो है कि लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। ये हमारे देश की परंपरा है, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार मानी जाती है, क्या कहेंगे? छठ पर्व हिंदू का सबसे महान पर्व है और इससे हम लोग को बहुत ही आस्था जुड़ी हुई है और इस छठ पर्व को हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और इसमें बहुत ही व्यवस्था के साथ जैसे कि लाइट व्यवस्था हर चीज़ का किया जाता है। गहरे पानी के चलते रस्सी लगाकर बांस उसके व्यवस्था है, जिला प्रशासन द्वारा गोताखोरों का भी व्यवस्था किया गया है। राजा तालाब में यहाँ
यहाँ पर ये भीड़ जनसलाब की तरह आती है, इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही और सार्वजनिक छठ सेवा समिति की तरफ से बहुत ही तरीके से एकदम व्यवस्था रखी गई है। गोताखोर भी हमारे साथ, हम उनसे भी जानेंगे, क्या कुछ कहेंगे। आस्था का महापर्व छठ है, तो कैसा आप लोग जब यहाँ पे आते हैं, कई बार से आ रहे हैं और कभी तो इतफाकी ऐसी घटना नहीं हुई है, तो क्या आपके काम रहते हैं यहाँ पे? हम लोग प्रवचनों को सेवा कर रहे हैं, डूब गया आपको देखभाल कर रहे हैं। कितने लोग आप लोग यहाँ मौजूद है इस राजा तालाब में? आपकी और टीम कहाँ कहाँ काम कर रही है? यही इसी तरह का अगर अनहोनी घटना हो तालाब में, तब फिर हम लोग इमरजेंसी में उतर कर उससे निकाला जाएगा। मतलब रेक्स्यू का काम करते हैं, जैसा कि आपने सुना कि रेक्स्यू का काम करते हैं लोग, गोताखोर भी मौजूद है। यह देखने वाली बात है कि राजा तालाब जो है पूरी तरह से जगमग है, लाइट से आप देख सकते हैं।